अलैना बेटा मेरी बात तो सुनो, रुको मेरी बात सुनो। अलैना मेरी जान मेरी बात सुनो। इस वक्त ऐसे अकेला छोड़ दे, जस्ट लीव हर। ये सब क्या था मॉम? वही तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। ये सब यूं ही होना तय था, सिर्फ शादी की अनाउंसमेंट रह गई थी। आंटी ने शबरेज से बात की थी? I don't think so. वो अलैना और शबरेज को सरप्राइज देना चाहती थी। और शबरेज ने आप लोगों को सरप्राइज दे दिया। सब जानते हैं शबरेज किस टाइप का बंदा है। आप लोगों को कोई बात करने से पहले प्लीज उसे इन्वॉल्व तो करना चाहिए था। एंगेजमेंट इज अ बिग कमिटमेंट। काशान, अलैना और शबरेज की शादी हम एक तरह से तय कर चुके थे, सिर्फ डेट अनाउंस होना बाकी रह गई थी। अगर ऐसा था तो शबरेज किस लड़की का जिक्र कर रहा था? यही बात तो मुझे माजबीन से पूछनी है। और अगर ऐसा कुछ था तो उसने मेरी बेटी का तमाशा क्यों बनाया? यकीन नहीं आ रहा कि शबरेज ऐसा भी कर सकता, और वो भी सबके सामने। तुम शौक में ही रहो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि शबरेज के बारे में मेरी जो राय थी वो उस पर पूरा उतरा। क्या मतलब? मतलब ये कि अलैना को देवरानी के रूप में देखने के ख्याल से ही मुझे कोफ्त होती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि शबरेज से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी थी। लुक एट शबरेज, कितना अच्छा है वो। अलैना उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। मैं खुश हूं जैन कि उसने उसने सबके सामने शादी से इनकार कर दिया। हाँ, लेकिन मामा को ये बात कभी भी पसंद नहीं आएगी कि उसने उनकी चॉइस को इग्नोर करके अपनी पसंद का इंतखाब किया। ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता। हाँ, तुम मुझसे बेहतर जानते हो शबरेज को। तुम्हें पता है कि वो जिद पे अड़ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनता। इसी बात का तो डर है मुझे, अगर ऐसे ही हुआ तो इस घर के हालात बिगड़ ना जाए। शबरीज की जिंदगी बिगड़ जाए, इससे बेहतर है कि घर के हालात बिगड़ जाए।